किसी ने सही कहा है कि गुस्से में इंसान अपना विवेक खो बैठता है और वह विवेकहीन हो जाता है। यही शायद भाजपा के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर के साथ हुआ, जब वह मायावती पर टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने मायावती को ही प्रधानमंत्री बना डाला। सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो मायावती जी को अपडेट होना चाहिए। मायावती जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मायावती जी के पास कोई सोच नहीं रह गई है, मायावती जी के पास कोई विचारधारा नहीं रह गई है, मायावती के पास सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के सिवा कोई काम नहीं रह गया है, टिकट बेचने के सिवा कोई काम नहीं रह गया है। अविश्वसनीय महिला भारतीय जनता पार्टी अगर सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक सोच की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, तो मायावती को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। मायावती की जान को प्राण की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने किया, मायावती को सिरमौर किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मायावती जी एहसान फरोस है, पलटी मारने वाली महिला है, इसलिए ऐसी महिला के ऊपर से भी अब पूरे दलित समाज का विश्वास उठ गया है। समाज का सभी वर्ग, दलित समाज भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के विचारों में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए मन ही नहीं बना लिया, संकल्पित हो गया है। इसलिए मायावती जी के बारे में इससे अधिक बोलने की जरूरत